सकते हैं मैंने गाड़ी की जो टायर है दोनों टायर खोल दिया है और अभी इसको वॉश करना है फ्रेंड, देख सकते हैं। ईट के ऊपर रख दिया मैंने गाड़ी को, तो चलिए अभी इसको वॉश करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो कवर था यह, इसको मैंने निकाल दिया है। यह जो एक कवर होती है इसमें, तो अभी मैं करता क्यों फ्रेंड, इसका जो एसी का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो बेल्ट होती है फ्रेंड, इसको मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। और जैसा आप लोग को पता है फ्रेंड, इंडिका और इंडिगो में जो चिकचिक आवाज़ आती है, तो ये वाला जो आप बेल्ट देख रहे हैं फ्रेंड, ये कंप्रेसर की जो बेल्ट है ये, तो इसी के कारण फ्रेंड हमारा गाड़ियों में आवाज़ आती है, जो चिकचिक करके आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसको अभी मैं निकल दे रहा हूँ, इसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और एसी की जो लाइन है फ्रेंड, एसी की लाइन मैंने पूरा गाड़ी से हटा दिया है, और एसी की जो कंडेंसर है उसको भी मैंने तो गाड़ी से निकाल दिया है। तो अभी इसका जो कंप्रेसर है फ्रेंड, कंप्रेसर का भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा, देख सकते हैं। तो अगर मैं ये बेल्ट यहाँ से रिमूव कर दूँ फ्रेंड, तो गाड़ी में जो चिकचिक आवाज़ आती है वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं ये अल्टरनेटर यहाँ। अगर आप लोग इसको टाइट करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप लोग ये वाला जो बोल्ट देख रहे हैं यह, इसको टाइट करना है। अगर आप लोग इसको लूज़ करेंगे तो इसको ऐसा ही घुमाना है फ्रेंड, देख सकते हैं। अभी ये लूज़ हो जाएगी, अगर फ्रेंड आपकी गाड़ी में एसी काम नहीं कर रहा है, और अगर आपकी गाड़ी में एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग एसी की जो बेल्ट है फ्रेंड उसको रिमूव कर सकते हैं, और इससे आपका एक फ़ायदा होगा फ्रेंड, आपकी गाड़ी जो चिक चिक आवाज़ करती है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड, आप बस ये इसका जो पुली है फ्रेंड इसको बस रिमूव कर दीजिए, बेल्ट अपने आप रिमूव हो जाएगी। देख सकते रिमूव कर दिया फ्रेंड, अभी इसका जो बेल्ट है फ्रेंड ये रिमूव हो जाएगी। और इसका कंप्रेसर भी फ्रेंड सही है, कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं यह बेल्ट निकल गया है, कंप्रेसर भी काम कर रहा है। तो जब हमारी गाड़ी फ्रेंड फ्री चलती है बिना एसी की, तो ये ऐसा ही घूमता रहता है। और उसके बाद जब हम एसी को ऑन करते हैं, तब क्या होता है फ्रेंड, इसका ये वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो इसके घूमने पर फ्रेंड हमारी गाड़ियों में एसी मिलती है। और अभी क्या करता हूँ फ्रेंड, एक एक करके मैं जितने भी पार्ट्स रिमूव किया था सबको मैं क्लीन करूँगा, एक एक करके क्लीन करना है अभी। देख सकते हैं ये एयर फिल्टर, और ये रहा लाइट, और ये एसी की कंडेंसर।
तो देख सकते हैं, यह है ऐसे की फिल्टर। तो चलिए अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ फैन को। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, इसको 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करूंगा। देख सकते हैं ये अगर फ़ैन चल रहा है या फिर नहीं, और आप लोग भी ऐसा ही चेक कर सकते हैं किसी भी, अगर फ़ैन को चेक करना है गाड़ी की। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं इसको चेक करूंगा। तो देख सकते ये रहा मेरी बैटरी, तो अभी मैं इसको यह कनेक्ट करूँगा। देख सकते हैं ये फैन चल रहा है। तो ऐसा ही फ्रेंड आप लोग चेक कर सकते हैं किसी भी फैन को, रेडिएटर के फैन या फिर लाइट या फिर आपको किसी भी फैन चेक करना है, आप लोग चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी के साथ। तो अभी चलिए चेक कर लेते हैं रेडिएटर के फैन। ये जो कैप देख रहे हैं ये रेडिएटर की कैप है, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, देख सकते हैं। और भी आगे फ्रेंड आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी आगे जो आपको अच्छा लगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है फ्रेंड।